शिक्षक उस माली के समान है जो एक बगीचे को अलग अलग रूप रंग के फूलों से सजाता है, जो छात्राओं को हमेशा सच्चाई और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज छात्राओं और शिक्षकों के रिश्तों में बदलाव आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं छात्रों से कि उनकी नज़रों में शिक्षक दिवस के क्या मायने हैं। हमारे सामने एक स्टूडेंट बैठी हुई हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? अनी शर्मा, BJMC फर्स्ट सेमेस्टर। आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट सब किया है, तो आपकी नज़रों में टीचर्स डे के क्या मायने हैं? आई थिंक इट इज बहुत इंस्पिरेशनल है, बिकॉज हम जो भी आगे जाके बनेंगे वो हमारे टीचर्स की वजह से बनेंगे। वो हमें सिखाते हैं तभी हम सीखते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि हम इंस्पिरेशनल हैं, टीचर सिखाते हैं, हम सीखते हैं, आगे जो भी हम जो भी बनेंगे उनकी बदौलत होंगे। तो क्या ऐसा, क्या आपके टीचर्स की क्या ऐसी मेमोरी है जो आपको याद है? एक्चुअली हमारे हेड प्रिंसिपल होते थे जो हमेशा कहते थे कि आज तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम मस्ती करते हो, तुम इधर उधर शरारतें करते हो, बट अब जब आपने शरारतों की बात कही तो शरारतों में क्या, जैसे कि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स बच्चों टीचर्स की मिमिक्री करते हैं, अरे वो तो ऐसे आते हैं, अरे उसका हेयर स्टाइल देखो बहुत ही डल बंदा है, ये है वो है, तो कैसा कुछ किया? नहीं, मैंने नहीं किया। बहुत अच्छी बात कही कि शिक्षक वह दीपक है जो ज्ञान रूपी अंधेरे में वो प्रकाश जलाता है, और कहीं ना कहीं वाकई में शिक्षक हमारे जीवन में वो रोशनी लेके आते हैं जिससे हम अपने जो अज्ञान होता है उसको कहीं ना कहीं दूर करते हैं। तो चलिए अब हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी नज़रों में टीचर्स डे के क्या मायने हैं। मैम आपका नाम? समरीन मलिक, मैं BJMC कर रही हूँ हिमकॉम इंस्टीट्यूट से। टीचर्स डे के क्या मायने? टीचर्स डे ऐसे तो हम किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं जैसे, लेकिन मेरे लिए टीचर्स डे का वो मायने कि हमारे टीचर्स बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब हम उनकी बहुत मिमिक्री करते हैं, बहुत उनका मजाक उड़ाते हैं, कभी उन पे कमेंट्स करते हैं, तो मतलब टीचर्स डे के दिन हम उन्हें ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग बस उनकी मिमिक्री नहीं करते, उनका मजाक नहीं उड़ाते, हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो हमारे बहुत डियर वंस हैं। और आपसे जैसा कि मीडिया इंस्टीट्यूट है, आप भी बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन कर रही हैं, तो आप टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, किसके नाम पे मनाया जाता है? श्री राधा कृष्ण श्री सर्वपल्ली राधा कृष्ण आपने अच्छा बताया, लेकिन क्या और क्या बता सकते हैं उनके बारे में, क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस उनके नाम पे? एज इन कि वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, बहुत ज्ञान दिया है, सिर्फ इस वजह से। चलिए अच्छा छोड़िए, अब बात करते हैं टीचर्स पे, कि आपने बोला कि टीचर्स बहुत ही हमारे मोटिवेशनल, हमें मोटिवेट करते हैं, हर चीज़ के इंकरेज करते हैं, हमारे जो करियर आगे जो अपॉर्चुनिटी आगे, तो टीचर्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो आपकी अभी तक की जो करियर लाइफ रही उसमें टीचर्स का कितना परसेंट आप देखती हैं रोल? मैम सारा टीचर्स का ही कंट्रीब्यूशन है, अगर हम आज कुछ हैं यहाँ पे बैठे हैं और आगे भी कुछ करेंगे तो वो सिर्फ टीचर्स की वजह से करेंगे। आगे जो कुछ भी करेंगी वो बस सिर्फ टीचर्स की वजह से करेंगी, इनका मानना है। और इन्होंने वाकई में बहुत अच्छी बात कही कि टीचर्स जो हैं वो हमारी जॉब करियर में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे एक माँ बाप होते हैं, माँ बाप के बाद दूसरा स्थान कहीं ना कहीं शिक्षक का आता है। चलिए और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? हर्षिता, आपकी नज़र में टीचर्स डे के क्या मायने हैं? टीचर्स डे के अलग ही महत्व हैं, साल के 365 दिन ऐसे होते हैं जब हम टीचर्स का दिमाग ख़राब करते हैं, परेशान करते हैं, वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ो और हमें अच्छी लाइन पे ले जाने की कोशिश करते हैं। एक टीचर्स डे वो दिन होता है जब हम टीचर्स के लिए ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, हम उनके लिए कुछ करें। ग्रैटिट्यूड की बात की हर्षिता ने कि टीचर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है कि वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, 365 दिन वो उनका सर खाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनको कहीं सक्सेसफुल बना देते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ और स्टूडेंट्स से कि उनके लिए टीचर्स डे का क्या महत्व है और क्या वाकई में अपने टीचर्स को याद रखते हैं। तो प्रखर जी ये बताइए कि अगर आप क्या आप टीचर बनना चाहोगे? टीचर ज़रूर, मुझे सिखाने का मौका मिला किसी को जो मैंने अपने टीचर से सीखा है, तो मैं ज़रूर वो शेयर करूँगा ताकि ज्ञान जो है ना एक जगह सीमित नहीं रह सकता। अपने कुछ टीचर्स के नाम बताइए। मैम भारती पांडे, सैयद मसूद सर, और जिन्होंने मुझे बचपन से पढ़ाया है, श्री नीरज दीक्षित सर। बचपन से पढ़ाया है, जैसा कि आपने अपने कुछ टीचर्स का नाम लिया, तो अगर मीडिया में के सफल कुछ बन जाते हैं, रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, तो क्या उन्हें याद रखेंगे?
अरे बिल्कुल मैम, टीचर्स को कौन भूल पाता है, टीचर कौन भूल पाता है, ज़रूर उन्हें याद रखेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि लोग टीचर्स को याद रखते हैं, क्योंकि आजकल का ऐसा ही आज का जो मॉडर्न टाइम है उसमें कहीं ना कहीं जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं उनके बीच कुछ रिलेशंस को लेके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब खूबियाँ और खामियाँ रहती हैं। तो चलिए इन्हीं खामियों पे बात करते हैं कुछ स्टूडेंट से कि उनको अपने टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन थी जिस पे वो खरा नहीं उतरते हैं। तो हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे और उनसे बात करते हैं कि सबने ग्रेटिट्यूड की बात की, कॉन्ट्रीब्यूशन की बात की कि उनके जॉब सेटलमेंट जो टीचर से बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन कुछ तो खामियाँ होती हैं, जहाँ पे पॉजिटिव है वहाँ पे नेगेटिव तो ज़रूर होता है। तो चलिए स्टूडेंट से जानते हैं कि उनको अपने टीचर्स में क्या नेगेटिविटी दिखी। सर, आपका नाम? आशीष रिछारिया। आशीष जी, जैसे कि पहले आप ये बताइए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स डे? टीचर्स डे का एक हमारी पूरी लाइफ में, जो हम लोग अपनी पूरी लाइफ सक्सेस से लेकर, मतलब बचपन से लेकर सक्सेस जब तक नहीं पा लेते, उस टाइम तक हम जो भी हम सीखते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सीखते हैं। तो वो हर एक इंसान मेरी नज़रों में टीचर है, चाहे वो एक रोड का भिखारी हो, चाहे वो कॉलेज में खड़ा कोई लेक्चरर हो, या फिर कोई मेरा खुद अपना दोस्त हो जिससे मैं कुछ चीज़ गेन कर रहा हूँ। टीचर्स, जैसा कि यहाँ पे आपके बहुत से टीचर्स होंगे, किसी टीचर्स का नाम बताएंगे आप? हाँ, इसके पहले अनुराधा मैम रह चुके हैं यहाँ पर, भारती मैम रह चुके हैं, राज सर रह चुके हैं, तो दीज ऑल आर माय व्हाट आई एम टुडे, सो दीज ऑल आर बिहाइंड व्हाट आई एम टुडे, ये आपने आपका कहना है। तो आपने बहुत बड़ी बात कही कि टीचर्स बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी। निगेटिविटी क्या है जी? अगर आप बात करें आज की 21st सेंचुरी में, जिस हिसाब से हम लोग अपने सर्वाइव कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी सिंपल बात की जाती है, काग्र चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथा विचा अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ना ही तो ऐसे लक्षण आज के विद्यार्थियों में है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियां आज के टीचर्स में है। खामियां टीचर्स में है? बिल्कुल। क्या है? कहीं ना कहीं वो एक तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स की। डाइवर्ट का किस टाइप के डाइवर्ट? डाइवर्ट इन द सेंस कि इट मे बी उनके कोई पर्सनल रिलेशन हो जाते हैं अपने स्टूडेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ पर्सनल रिलेशन? इट मे बी कि वो लोग कुछ एक बाउंडेशन होती है, सपोज आप कहीं पर रह चुके हैं, कहीं पर आपने स्टडी की है, तो कुछ रिलेशन अपने आप के बन जाते हैं। टोकना चाहूंगी, जैसा कि स्टूडेंट लाइफ में ये होता है कि टीचर्स का किसी एक स्टूडेंट के प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, वो एक को तो दूसरों को लगता है कि वो उसको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, बनस्पत हमें टीचर्स को स्टूडेंट को लगता है उनको नंबर ज्यादा दे रहे हैं, हमको कम दे रहे हैं, वो उनसे ऑनलाइन ऑन चैट, जैसा कि आजकल सोशल नेटवर्किंग का जमाना है, वी चैट एंड ऑल, व्हाट्सएप पर बात करते हैं। लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, टीचर्स उनके प्रति ज़्यादा लगाव रखते हैं मेरे पास, जबकि एक टीचर्स बहुत बड़ी बात है, एक टीचर सबको ज्ञान देता है, लेकिन उसमें से कुछ इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ पायलट बन जाते हैं, कुछ मैनेजमेंट लाइन में, और कुछ चोर भी बन जाते हैं, जो रियलिटी है। कुछ गलत चीज़ों में भी लग जाते हैं, कुछ पॉजिटिव करते हैं, कुछ नेगेटिव करते हैं, लेकिन टीचर ज्ञान सबको देता है, तो कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिव भी होता है तो नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव क्या है वही हम जानने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में उनको टीचर्स में ऐसी क्या नेगेटिविटी दिखती है कि वो अपने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। सर, मैम, आपका नाम? कीर्ति। खामियाँ ये है कि आजकल टीचर्स स्कूल में पढ़ाने की बजाय कोचिंग सेंटर्स, अपने कोचिंग सेंटर्स में एक तरह से प्रोफेशन बना लिया, एजुकेशन है, एजुकेट नहीं करते वो लोग, एक प्रोफेशन बना लेते हैं, पैसा कमाने का एक जरिया हो गया है, और आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है। आपने कहा कि प्रोफेशन बना लिया है उसको, पैसा कमाने का जरिया बना लिया, लेकिन आजकल सबको, मैं खुद कहूँगी कि आप भी एक स्टूडेंट हैं और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उनको कहें कि एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो वो तो पैसे से ही आता है। तो अगर प्रोफेशनल, अगर यह प्राइवेटाइजेशन, जैसा आपका कहना है कि प्राइवेटाइजेशन हो गया एजुकेशन का, तो इससे कहाँ तक आप सहमत हैं? हुआ है, मैं मना नहीं कर रही, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट सबको चाहिए, पर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो एजुकेट कर रहे हैं, वो अपने उनके जो बच्चे हैं वो सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो सक्सेसफुलनेस के लिए उनको उस चीज़ को पढ़ाना चाहिए। कीर्ति जी, आप टीचर बनना चाहती हैं? हाँ, ऑफ कोर्स मुझे चांस मिलेगा एज अ टीचर, अगर आपको बनने का मौका मिलेगा तो आप क्या ऐसा परिवर्तन करेंगी जो आपको झेलना पड़ रहा है? मैं ये परिवर्तन करूंगी कि मैं इतना सफिशिएंट पढ़ाऊं कि उनको स्कूल में ही समझ आ जाए, कोचिंग की और ट्यूशंस की उनको ज़रूरत ही ना पड़े, कोचिंग और ट्यूशंस की उनको ज़रूरत ही ना पड़े, ये कहना है कीर्ति जी का। लेकिन जहाँ तक देखा जाए वाकई में प्राइवेटाइजेशन, जो एजुकेशन लेवल है हमारे इंडिया का, वो काफ़ी हद तक बहुत चेंज हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है वो ज़्यादा हो चुका है, गवर्नमेंट कॉलेज बनस्पत बहुत कम आपको दिखेंगे, गली गली में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। तो उसी पे आइए बात करते हैं कि वाकई में क्या एजुकेशन का लेवल पिछले की अपेक्षा कुछ गिरा है? निशा,
निशा ये बताइए कि पहले जैसे होता था कि एजुकेशन गांव में, आप गांव में भी देख लो वहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, इवन लोग लोन लेके इंजीनियरिंग कर रहे हैं और साथ से एम्प्लॉयमेंट, अगर उन्हें मान लीजिए सोसाइट के एम्प्लॉयमेंट के आया कोई बंदा गाँव से, उसने इंजीनियरिंग करी और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो फिर उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी बात है, तो उसको आप कैसे लेती हैं? मैम देखिए, अगर विलेजेस की बात करें तो विलेज में अभी इस वक्त सिटी के हिसाब से इतनी एजुकेशन बहुत हाई लेवल पे नहीं है, वहाँ के स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद उनको कहीं ऐसे कोचिंग सेंटर मिलते हैं जहाँ पर वो अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं। यहाँ पर आने के बाद कहीं ना कहीं इन सिटीज़ के बच्चों के सामने थोड़ा हेजिटेट कर जाते हैं, उनकी पढ़ाई थोड़ी कम हो जाती है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो विलेज और सिटी में तो सिटी का लेवल थोड़ा हाई है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है आशीष, वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं। जी आशीष जी, मैं एक बात फिर बताना चाहता हूँ जी कि जिस हिसाब से पर्सनल रिलेशन की हम बात करते हैं कि एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ या फिर स्टूडेंट अपने टीचर्स के साथ मेंटेन करता है, तो ये काफ़ी हद तक गलत है। और जिस तरह अगर हम महाभारत में भी देखें तो गुरु द्रोण ने भी कहीं ना कहीं एकलव के साथ वो एक रिलेशन मेंटेन नहीं किया, जिसने उन्होंने एकलव ने उन्हें गुरु माना, तो कहीं ना कहीं अर्जुन के साथ पार्शियलिटी की गई एकलव के साथ। कहीं आपने कहा कि आपने बहुत पौराणिक उत्तर दिया है कि एकलव गुरु द्रोणाचार्य का, और तो कहीं ना अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ आशीष जी कि अगर आपसे आपके टीचर कुछ मांगे तो आप क्या देंगे? जी पहली बात तो आज के टीचर्स की अगर आप बात करें तो सीधी बात मंथली फीस मांगते हैं, इसके अलावा कुछ मांगते भी नहीं है, तो ये कोई आंसर नहीं है। जनरली सभी लोग जानते हैं कि टीचर्स के लिए मंथली आना चाहिए। अगर आज भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो वाकई में जिनके लिए पैसा मैटर नहीं करता है, उनके लिए कहीं ना कहीं सम्मान बहुत मैटर करता है, आप कितना सम्मान करते हैं अपने टीचर्स का? अगर आप इस तरह बात करें सम्मान कितना करते हैं, तो मेरे अंदाज में आप सम्मान को कभी कोई मापदंड से माप नहीं सकते हैं कि सामने वाला इंसान कितना सम्मान करता है, ये तो शायद टीचर ही उसका बता सकता है कि उसका छात्र है उसकी छात्रा उसका कितना सम्मान। वाकई में सम्मान का कोई मेजरमेंट नहीं होता कि उसको कैसे पैरामीटर से नापा जाए, लेकिन हम इसको इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि बॉलीवुड जो सिनेमा है उसको लोग बहुत कॉपी करते हैं, हेयर स्टाइल से लेकर ड्रेसिंग सेंस से लेकर मेकअप, इवन गर्ल्स के लाइफ स्टाइल पे, हीरोइंस का और बॉयज़ के लाइफ स्टाइल पे, जैसे तेरे नाम में सलमान खान ने वो कट कराया था, तो लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया था, तो क्या वाकई में वो टीचर्स की किसी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहेंगे? इसी बात पे चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि स्टूडेंट से कि उन्होंने अपने टीचर्स की क्या क्वालिटी अडॉप्ट की है। मैम आपका नाम? नाजमा सैफी। नाजमा जी आप ये बताइए कि आपने अपने टीचर्स की कौन सी क्वालिटी को अडॉप्ट किया है? एक्चुअली माई फेवरेट टीचर इज भारती मैम, और जब मैंने कॉलेज में अपने भारती मैम क्यों आप लोग को भारती मैम इतनी क्यों पसंद है? क्योंकि वो है ही इतनी अच्छी, उनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है, इतनी अच्छी, क्या अच्छा लगता है उनके पढ़ाने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, जिस तरह से वो स्टूडेंट्स को समझाती हैं, उनकी केयर करती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो शी इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर देयर स्टूडेंट्स। इन्होंने कहा कि जैसे कि इन्होंने अपने टीचर्स का उदाहरण दिया कि वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ और वो बहुत केयर करती हैं, क्या वाकई में ऐसा ही एक टीचर को होना चाहिए? क्या टीचर को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंकली बिहेवियर में भी कभी कभी वो डिसिप्लिन को मिटा देता है। तो आइए जानते हैं दीपांशु से कि क्या वाकई में डिसिप्लिन और फ्रेंकली बिहेवियर कितना एक स्टूडेंट की लाइफ पे असर डालता है? मैम देखिए, मैम टीचर्स का फ्रेंक होना एक लिमिट तक सही है, बट मैम 11th क्लास में मेरा भरोसा उठ गया टीचर से। मैम वो बहुत फ्रेंक थी काफ़ी, मतलब मैम उनके ट्यूशन भी आता था और काफ़ी बातें आते होती थी, मेरे को लगता था कि मेरे को पास आस कर देंगी, मतलब लगता ही नहीं था मेरे को कहीं से कहीं तो फेल करेंगी। मैंने केमिस्ट्री मेरी 11th में बैग लगा दी मैम, उस चक्कर से मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा मैम, तब से मेरे टीचर से भरोसा उठ गया। वो बहुत फ्रेंक थी आपसे, आपने पास होने के लिए उनसे फ्रेंकली बिहेवियर रखा? मैम मैंने नहीं रखा मैम, स्टार्टिंग उन्होंने करी इसलिए मैं चलता रहा, मेरे को लगा कि कुछ आगे जाके पास कर ही देंगी मैम। यस, तो वाकई में आप आगे चल के टीचर्स बनना चाहोगे? नहीं मैम, मैम मेरे को टीचर लाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है मैम। मैम मैम टीचर के बारे में मैम क्या बताऊँ, मैम हर किसी को तो पसंद होती नहीं है, खाली मैम हर कोई बोलता है मैं टीचर बनूंगा मैम, खाली एक लिमिट होती है मैम, कोई नहीं बनना चाहता आज के टाइम पे मैम, हम भी देखते हैं। ऐसा क्यों कहना चाहते हैं कि आप आजकल आपके जो टीचर्स हैं, अगर आपके टीचर्स ने आपको नहीं पढ़ाते तो आप यहाँ नहीं बैठे होते, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप टीचर्स नहीं बनना चाहते? मैम क्योंकि कहीं ना कहीं पर हमारी मेहनत भी होती है ना मैम, पढ़ाई तो हम भी करते हैं इस लेवल तक, हम भी तभी पहुंचे पढ़ गए। यानी कि आप अपने टीचर्स की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट बताइए। मैम पॉजिटिव ये है कि पढ़ा देती हैं टाइम टेबल के हिसाब से आगे पढ़ा जाती हैं, नेगेटिव ये है कि
मैम थोड़ा सा लेट होने में भी क्लास से बाहर निकाल देती हैं मैम, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जैसा कि दीपांशु ने ये बताया कि उन्होंने अपने एक लाइफ का एक एग्जांपल दिया कि उनकी एक टीचर थी जिन्होंने उनको फेल कर दिया था। चलिए इसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं और स्टूडेंट से कि वाकई में उनकी नज़रों में टीचर्स डे के क्या मायने हैं। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट से कि उनकी नज़रों में टीचर्स डे के क्या मायने हैं। मैम आपका नाम? वंदना। वरना टीचर्स डे के क्या मायने हैं आपकी नज़रों में? टीचर डे के बहुत मायने हैं क्योंकि हमारी लाइफ में आज हम जो भी हैं उसमें काफ़ी श्रेय टीचर का भी होता है। क्या आप टीचर बनना चाहते हो? जी नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल उतना स्कोप नहीं है टीचिंग में, देखा जाए तो सैलरी भी उतनी नहीं मिलती जितनी की एक्सेप्टेड होती है तो इसीलिए मैं टीचिंग लाइन में नहीं जाना चाहूँगी। सैलरी भी उतनी एक्सपेक्टेड नहीं होती, वो टोटली डिनाई कर रही हैं कि वो टीचर्स नहीं बनना चाहते हैं। चलिए इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। मैम आपका नाम? स्वाति शर्मा। स्वाति जी, ये बताइए कि आपकी नज़रों में टीचर्स डे के क्या मायने हैं? टीचर्स डे बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो एक दिन है जब हम अपने सारे एफर्ट्स, जेस्चर, आर लव, वी कैन शो इट टू टीचर्स, वी कैन मेक देम फील हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर। बोला कि सिर्फ एक टीचर्स डे सिर्फ एक दिन है, बाकी दिन मतलब एक दिन हम उसे स्पेशल। एक दिन क्यों? सिर्फ एक दिन इसलिए मैं बता रही हूँ कि सिर्फ एक दिन इसीलिए, वो एक स्पेशल डे हम कंट्रीब्यूट करते हैं। उस दिन हमारे सेकंड जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, उस दिन उनका बर्थडे आता है। वो बहुत ही फिलोसोफर थे, स्कॉलर स्टूडेंट रह चुके हैं। स्वाति जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप टीचर बनना चाहते हो? हाँ, मैं ज़रूर बनना चाहूँगी टीचर, क्या पता 2 साल बाद इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिला कि वो टीचर्स बनना चाहती हैं। चलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं कि वाकई में क्या वो टीचर्स बनना चाहते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम विनोद शर्मा है। विनोद शर्मा, विनोद जी ये बताइए आपकी नज़रों में टीचर्स डे के क्या मायने हैं? टीचर्स डे की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि टीचर्स ही होते हैं जो हमें आगे गाइडेंस करते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है, नहीं करना। अगर हम इधर आए हैं जर्नलिस्ट बनने के लिए तो हमारे टीचर ही गाइड करेंगे ना, उनकी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे। जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हो तो एक सफल जब मीडिया एंकर या वीडियो जर्नलिस्ट या रिपोर्टर बन जाओगे तो क्या आपने टीचर्स को याद रखोगे? हाँ जी बिल्कुल याद रखूंगा क्योंकि मेरी लाइफ में ज़्यादातर टीचर्स की अहमियत। आपकी फेवरेट टीचर? मेरी भारती मैम है, वो बड़ी फेवरेट हैं। अपने फेवरेट टीचर्स का एक प्लस और माइनस पॉइंट बताइए। प्लस पॉइंट है ये है कि उनका टीचिंग स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो टीचिंग के दौरान पानी पीने बाहर नहीं जाने देती, वो कहते हैं कि जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद पानी पीने आना। यहाँ पे इन्होंने बोला कि बहुत अच्छा बिहेवियर है उनकी मैम का। चलिए इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के उनसे आगे बात करते हैं। सर आपका नाम? आकाश शर्मा। आकाश जी, आपकी नज़र में टीचर्स डे के क्या मायने हैं? बिल्कुल, मेरा मानना है कि बुक्स तो होती हैं लेकिन टीचर्स हमें बताते हैं कि बुक होती क्या है, बुक से क्या मिल सकता है हमें। पूरे साल हमें पढ़ाती हैं, एक दिन हम डेडिकेट कर ही सकते हैं, ट्रिब्यूट दे सकते हैं एक दिन अपना। ट्रिब्यूट दे सकते हैं एक दिन अपना, सिर्फ सर आकाश सर सिर्फ एक दिन क्यों? एक दिन पूरी साल, अगर पूरी साल सेलिब्रेट करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब फिर तो एक दिन वो बहुत है। क्या आप टीचर्स बनना चाहते हो? अगर मौका मिला तो बन जाऊंगा, बिल्कुल चाहूंगा, मैं एक्सपीरियंस कर सकूं क्या होता है टीचर बनके। अपने टीचर्स की एक प्लस और एक माइनस पॉइंट बताइए। मेरी एक फेवरेट टीचर थी 9th क्लास में, मिश्रा मैम। मेरे को नहीं पता नेगेटिव पॉइंट उनमें क्या था लेकिन सारे पॉजिटिव पॉइंट थे। मेरे को जितना भी याद है, बहुत अच्छा पढ़ाती थी, क्लास से बाहर भी निकाल देती थी तो मेरे को उसमें भी मज़ा आता था कि मैम ने क्लास से बाहर निकाला। आज का मॉडर्न टाइम में एजुकेशन लेवल बहुत चेंज हो चुका है, और क्या बदलाव चाहते हैं टीचर्स में और एजुकेशन लेवल में? एक्चुअली कुछ टीचर्स होते हैं सैडिस्ट टाइप के, सैडिस्ट बोले तो कि अपनी जो घर की भड़ास होती है वो स्टूडेंट्स पे आके निकालते हैं, तो मैं चाहता हूँ वो नहीं होना चाहिए, सैडिस्ट टाइप के टीचर्स नहीं होने चाहिए। अगर होते हैं तो उनके खिलाफ कोई सख्त कानून बने, और बस यही चेंज चाहता हूँ। बाकी और कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मेरी। तो शिक्षक दिवस पे हम बस यही कहना चाहते हैं कि आज का जो मॉडर्न टाइम है उसमें शिक्षक और छात्र के जो बीच संबंध है वो सम्माननीय बने रहें। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए दिल्ली से गायत्री गुप्ता।